अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश की टीचर मिस मरियम खालिद और आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 हमारे हॉबीज से रिलेटेड वर्ड सेंटेंसेस पर है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं और आप वो साथ साथ याद भी कर रहे हैं। मैं अपने लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगी कि आपको लेक्चर समझ आ सके और आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वर्ड सेंटेंसेस रिलेटेड टू हॉबीज, यूज द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन। वर्ड है आपका हॉबी यानी मशगला। वर्ड है हॉबी। द सेंटेंस इज बुक रीडिंग इज माय हॉबी। वर्ड है आपका हॉबी एंड द सेंटेंस इज बुक रीडिंग इज माय हॉबी। बुक किताबें, रीडिंग पढ़ना इज है माय मेरी हॉबी मशगला। बुक रीडिंग इज माय हॉबी। द नेक्स्ट वर्ड इज प्ले। वर्ड है प्ले खेलना। द सेंटेंस इज आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। आई मैं प्ले खेलता हूँ फुटबॉल। फुटबॉल मैं फुटबॉल खेलता हूँ। वर्ड है आपका प्ले एंड सेंटेंस इज आई प्ले फुटबॉल। द नेक्स्ट वर्ड इज कलेक्ट मीनिंग जमा करना। वर्ड है कलेक्ट, इसका मीनिंग है जमा करना एंड द सेंटेंस इज आई कलेक्ट द डिफरेंट स्टैम्प्स। आई कलेक्ट द डिफरेंट स्टैम्प्स। आई मैंने कलेक्ट जमा की है डिफरेंट मुख्तलिफ स्टैम्प्स। वर्ड है आपका कलेक्ट एंड द सेंटेंस इज आई कलेक्ट द डिफरेंट स्टैम्प्स। द नेक्स्ट वर्ड स्प्रिंग बहार। वर्ड है स्प्रिंग बहार एंड द सेंटेंस इज ब्यूटिफुल फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग। ब्यूटिफुल फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग। ब्यूटिफुल खूबसूरत फ्लावर फूल ब्लूम खिलते हैं इन में स्प्रिंग बहार में। बहार में खूबसूरत फूल खिलते हैं। वर्ड है आपका स्प्रिंग एंड सेंटेंस है ब्यूटिफुल फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग। द लास्ट वर्ड इज वाटर पानी। वाटर पानी। आई सॉ सीड्स एंड वाटर देम। आई सॉ सीड्स एंड वाटर देम। मैंने बीजों को बोया एंड वाटर देम और उन्हें पानी दिया। आई अगेन रिपीटेड ऑल द वर्ड एंड सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड था आपका हॉबी सेंटेंस। बुक रीडिंग इज माई हॉबी। प्ले आई प्ले फुटबॉल। कलेक्ट आई कलेक्ट द डिफरेंट स्टैम्प। स्प्रिंग ब्यूटिफुल फ्लावर ब्लूम इन स्प्रिंग। वाटर आई सॉ सीड्स एंड वाटर देम। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर हॉबी से रिलेटेड वर्ड सेंटेंसेस पर। हमारे आज के लेक्चर को आप अच्छे से रिव्यू करें, लेक्चर से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करें। आज के लेक्चर से कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, आप जरूर पूछें, हम आपको आपका आंसर करेंगे। लेक्चर्स को तवज्जो के साथ रोज सुने, इनको साथ साथ याद करें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।